हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। संजू का 8वें दिन सॉरी 18वें दिन क्या कलेक्शन होगा इसके बारे में आपको बताऊंगा इस प्रेडिक्शन में। और फिलहाल संजू का क्या हाल रहा है, किस तरह से फिल्म ने कमाल किया है उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 दिन के कलेक्शन आपके नजर में आ चुके हैं। 16 दिनों के बाद इस फिल्म ने 300 करोड़ क्लब में एंट्री मारी और साथ ही 306 करोड़ तक का कलेक्शन किया, यानी कि पद्मावत को और सुल्तान के कलेक्शन को इसने धराशाही कर दिया। अब यहाँ पर जो संडे कलेक्शन जो आ रहे हैं वो करीबन 8 से 9 करोड़ के आसपास नजर आ रहे हैं, यानी कि 8 करोड़ भी अगर इसका कलेक्शन आया तो कलेक्शन कितना हुआ, कलेक्शन हुआ कम से कम 315 करोड़। जी हाँ, 315 करोड़ इसका कलेक्शन हुआ, ये आप मान के चलिए, ठीक है, 17 दिन के बाद। अब यहाँ पर फिल्म मंडे को उतर चुकी है, वो भी 3rd वीक के मंडे को, लेकिन 2100 स्क्रीन के पास अभी भी है, यानी कि इसका कलेक्शन अगर हम देखें तो कलेक्शन पे बहुत बड़ा ड्रॉप मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी ये 2 से 3 करोड़ ये ऑलरेडी कर लेगी, मेरा ऐसा मानना है 2 से 3 करोड़ अगर ये कर लेगी तो इसका कलेक्शन जो जाएगा वो 317 से 318 करोड़ तक जाएगा, जो एक अच्छा खासा कलेक्शन रहेगा वो भी 18 दिनों के बाद। तो 318 ही अगर आप पकड़ो तो उसके बाद से उसको और कम से कम 22-23 करोड़ कमाने होंगे अगर उसे बजरंगी भाईजान का 320 करोड़ तोड़ ही देगी, लेकिन पीके और टाइगर जिंदा है जो 339 करोड़ और 340 करोड़ तक का है, वहां तक पहुंचने के लिए इसे 20-22 करोड़ और चाहिए होगी, और जहां तक मुझे लगता है ये आराम से उसे ब्रेक कर देगी, और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन जो यहां से नजर आ रहा है वो 345 करोड़ मिनिमम नजर आ रहा है, ये मेरी राय है। आपको क्या लगता है कितना कमाएगी ये फिल्म अपने 18वें दिन, और क्या लगता है 345 करोड़ तक टच कर पाएगी, या आई मीन टाइगर जिंदा है और पीके रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए कितना ही।